न्यूज़पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा फिल्म स्टार और उनके फैंस से जुड़ा है। किसी भी एक्टर को बड़ा स्टार उसके फैंस ही बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक्टर को अपने फैंस की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर को भी तंबाकू, पान मसाला जैसी चीजों का विज्ञापन करने पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। ताजा मामला बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन से जुड़ा है, जो ऑनलाइन गेमिंग का प्रमोशन करने पर अपने फैंस की नाराजगी झेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर नासिक में एक शख्स का वीडियो वायरल है जिसमें वो स्कूटी पर अजय देवगन के लिए भीख मांगता नजर आ रहा है। दरअसल ये शख्स अजय देवगन के ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने से इस कदर नाराज हुआ कि अपना विरोध जताने के लिए उसने ये अनोखा तरीका अपना लिया। इस व्यक्ति का कहना है कि एक्टर अजय देवगन को पैसे की इतनी ही मजबूरी है तो वो भीख मांगकर पैसे जोड़ेगा और एक्टर को भेजेगा। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन के लिए उसने स्कूटी पर बकायदा स्पीकर और बैनर लगाए हैं जिस पर लिखा है अजय देवगन के लिए भीख मांगो आंदोलन। ऑनलाइन गेमच्या विरोधात आज आंदोलन करत आहे का? ऑनलाइन गेम हे आज आपल्या पिढीला खराब करून राहिले आणि थ्री स्टार क्रिकेटर देवानी यांना भरपूर दिलेला असताना अशा प्रकारची ऍड करून आपल्या पिढीला खराब करत आहे। त्यासाठी आपण अजय देवगनला हे भीक मागो आंदोलन करून पैसे पाठवणार आहे आणि विनंती करणार आहे गांधीगिरी स्टाईलने, त्या कृपया करून आपण अशा प्रकारची ऍड करू नये। जर तुम्हाला पैशाची आवश्यकता असेल तर मी परत भीक मागेल, परत पाठवेल, पण अशी ऍड करू नये। आपण विनंती करू गांधीगिरी स्टाईलनी, यासाठी तुमच्या लोकांचा साथ पाहिजे। हा साथ कशा पद्धतीने पाहिजे का? तुमच्या हातात असलेला मोबाईल वापरा, सोशल मीडियावर सगळीकडे पाठवा, एक फोटो काढा, व्हिडिओ काढा, पुढे टाका। तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्ही जर फोटो पुढे काढून टाकत नसेल हे शक्य नाही ना। आज जर तुमच्या घरातला कोणी नसेल याच्यामध्ये, पण हे निश्चित आहे का आज नाही उद्या पुढे तुमच्या घरचा या ऑनलाइन गेम मध्ये असणार हे 101% खरं आहे। त्यासाठी जर थांबवण्यासाठी तुम्हाला याचं सर्वांना। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर कई यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ ने विरोध के इस तरीके को सही बताया तो कुछ ने कहा कि एक्टर्स को ऐसी चीजों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिनसे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो सेलिब्रिटी है या फिर क्रिकेटर है आजकल जो एड्स कर रहे हैं उसमें ज्यादातर ऑनलाइन गेम है या फिर गुटका है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, आपको क्या लगता है? ये एब्सोल्युटली गलत है। इस बात को जो नज़रिया है देखने का सोसाइटी का, वो डेफिनेटली गलत होगा। बतौर डॉक्टर प्रोफेशन में काम करते हुए और एक सामान्य नागरिक भी यही बताएगा कि जो बीमारियाँ जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, टीबी, इनका प्रबंधन सेवन करने से, ये सारी चीज़ें सेवन करने से होता है। अगर ऐसी चीज़ों को सेलिब्रिटी लोग ही बढ़ावा देंगे तो ये चीज़ सोसाइटी के लिए गलत मैसेज जाती है। जिस तरीके से रमी खेलना, ऑनलाइन ऐप्स कुछ आ रही है नई नई, इनको ये प्रबोधन कर रहे हैं कि आप इनको ऐप को डाउनलोड करिए और खेलिए, और एंड में ये मैसेज भी देते हैं कि ये रिस्क भी है, तो किस लिए आप ये प्रमोशन करना चाहते हैं? डेफिनेटली ये गलत है। सेलिब्रिटी इस चीज़ को बढ़ावा ना दें ताकि बच्चे ये जो एज में सीख जाते हैं, तो ये बहुत गलत होगा कि अगली पीढ़ी पर ये ज़्यादा मतलब असर डालेगा और ये जो पीढ़ी है वो ख़राब होती जाएगी। ओके, तो बच्चों ने ये चीज़ नहीं सीखना चाहिए। रमी वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है, अगर इजी मनी अगर मिलता है तो बच्चों का अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा। आपका जो काम अच्छे से आप करते हो बस उसी में आप ध्यान से वही करें, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें। साइड बाय साइड जो सेलिब्रिटी ये काम कर रहे हैं कि जो अल्कोहल है या तो फिर स्मोकिंग है या तो फिर गुटखा है, इनकी जो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो बात टोटली गलत है, क्योंकि उसका असर जो है वो यंग जनरेशन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा उन पर ये करता है, उनको आइकॉन मानता है, तो इसीलिए कि यंग जनरेशन पे बहुत ही बैड असर उनका गिरता है, वो सब कॉपी करते हैं उनके लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें सेवन करने से अपन भी वैसे हो जाएंगे, इसीलिए वो सेलिब्रिटी ने तो कम से कम इसको अवॉइड करना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग और जो भी चीज़ें हैं स्मोकिंग, गुटखा वगैरह, ये चीज़ों का विज्ञापन जो है वो सेलिब्रिटी ने ना करना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आइडल रहते हैं, जो भी टीनेजर्स हैं वो उन
उनको फॉलो करते हैं, वो जो खाते हैं, जिसके विज्ञापन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको विज्ञापन करना है तो अच्छी चीज़ों के लिए प्रमोट करें, जैसे कि फिटनेस है, जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको प्रमोट करें, ना कि ये जो अपनी मतलब सेहत ख़राब करते हैं।